हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज बहुत सारे वीडियोस बनाने का, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिंग्स ऑफ पावर ट्रेलर के बारे में, जो कि ये एक वेब सीरीज है और इसमें जो जो इवेंट्स बताएंगे वो इवेंट्स हजारों साल पहले के, यानी कि द हॉबिट मूवी और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में जो इवेंट्स बताए उससे हजारों साल पहले के इवेंट्स हमें द रिंग्स ऑफ पावर वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने द हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज नहीं देखी है तो आपको ये दुनिया के बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और ये दुनिया में चीजें चलती किस तरह से, अगर वो सब कुछ जाना तो आपको 6 मूवी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग द हॉबिट के तीनों पार्ट देख लो, फिर उसके बाद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तीनों पार्ट देख लो। हालांकि पहले तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिलीज हुई थी उसके बाद हॉबिट हुई थी, लेकिन अगर क्रोनोलॉजिकल वे में देखा जाए तो आपको हॉबिट देखना चाहिए, इसके बाद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ये 6 मूवी देख लोगे उसके बाद भी आपका मन ना भरे और आपको ये दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें देखनी है तो आपको 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। यस, यानी कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की एक एनीमे मूवी जिसका नाम है द वॉर ऑफ रोहिरियम रिलीज हो रही है 12 अप्रैल को। ये भी एक प्रीक्वल होने वाली है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के पहले के इवेंट्स हमें इस पर्टिकुलर एनीमे मूवी में देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें किंगडम ऑफ रोहान के बारे में काफी कुछ चीजें देखने को मिलेगी। खैर अब हम लोग बात करेंगे द हॉबिट के प्लॉट की, ताकि जो व्यूअर्स मेरे उस पर्टिकुलर वीडियो को नहीं देखे थे जहां मैंने हॉबिट मूवी के बारे में बताया था, तो वो लोग इस पर्टिकुलर वीडियो से जान लेंगे कि बस उसका प्लॉट क्या है। इस मूवी की कहानी सिंपल सी है कि हमारा प्यारा बिल्बो बैगिंस एक ऐसे एडवेंचर पे निकलता है, जिस एडवेंचर में निकलने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है और उसके इर्द के जितने भी लोग हैं उनकी भी लाइफ बदल जाती है, और ना चाहते हुए कुछ ऐसी चीजें कर देता है जो उसको एक डरपोक इंसान से एक बहादुर इंसान बना देता है। तो अगर आप लोगों ने द हॉबिट नहीं देखी तो भाई जाके जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। लेकिन ये वीडियो मोस्टली फोकस होने वाला है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, क्योंकि मैंने हॉबिट तो पहले ही वीडियो बना चुका था। खैर अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बात करूँ तो इसमें हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले 2001 में आया था लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द किंग, उसके बाद आया था द टू टावर ऑफ, उसके बाद आया था द रिटर्न ऑफ द किंग। तो इसकी कहानी सिंपल सी है कि 20 रिंग है लेकिन हम लोग 19 रिंग की बात करेंगे, तो उसमें से 3 रिंग्स थे एल्व्स के पास जो कि इमॉर्टल्स है, उसके बाद जो 7 रिंग्स थी वो थे ड्वार्फ्स के पास जिन्हें माउंटेन क्राफ्टमैन भी कहा जाता है, और बची हुई 9 रिंग्स थी ह्यूमंस के पास जो कि खुद को बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं। लेकिन एक रिंग जो इन सारे रिंग्स से ऊपर है वो है डार्क लॉर्ड सौरॉन की, और मैं आपको बता दूं कि सौरॉन इस पर्टिकुलर दुनिया का शैतान है, या आप कह सकते हो डेविल है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे पावर्स जो आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन वो सारे पावर्स कहीं ना कहीं उसके रिंग में है। लेकिन एक वॉर होने के बाद एक किंग ने सौरॉन की उंगली काटी था, जिस उंगली में उसने उस रिंग को पहना था, और अनफॉर्चुनेटली उंगली काटने के बाद वो शैतान और उसकी पूरी की पूरी सेना है गायब हो गई, और वो रिंग भी कई सालों के लिए पानी के अंदर दबी रह गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब वो रिंग मिलती है हमारे बिल्बो बैगिंस को, फिर उसके बाद क्या कुछ होता है इस पर्टिकुलर रिंग के साथ, ये सब कुछ जानने के लिए आपको LOTR देखनी पड़ेगी। देखो यार, इस पर्टिकुलर मूवी को डायरेक्ट किया है पीटर जैक्सन ने, और ये एक नावल पर बेस है जिसे लिखा है टॉल्किन ने। टॉल्किन ने इस नावल को इस तरह से लिखा है कि भाई मतलब आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे तो बस एक अलग ही दुनिया में खो जाते हो, और ये कई साल पहले की मूवी है, लेकिन आज भी देखो तो इस मूवी में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो आपको एंगेज करके रखे। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स और उनके जो आर्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपका दिल छू जाएंगे। अगर मूवी में फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी, कॉमेडी देखने को मिलेगी, और कुल मिला के ऐसे लाजवाब कैरेक्टर्स यानी कि एल्व्स देखने को मिलते हैं, ह्यूमंस देखने को मिलते हैं, ड्वार्फ्स देखने को मिलते हैं, हॉबिट देखने को मिलते हैं, विच देखने को मिलती है, जादूगर देखने को मिलते हैं, आपको अलग अलग तरह के मॉन्स्टर क्रीचर्स डायमंड्स, और सौरॉन तो है ही। तो कुल मिला के एक ऐसी फैंटेसी एडवेंचर मूवी बन जाती है जो कई सालों में एक बनती है। तो अगर अभी मैं VFX की बात करें तो देखो 2001 और 2003 के बीच में ये तीनों मूवी रिलीज हुई थी, लेकिन उस दौर में VFX उतना नीटली तो नहीं करते थे, लेकिन हॉलीवुड वाले तब भी दूसरी इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा आगे थे। और अगर इस पर्टिकुलर मूवी के आप लोग VFX देखो तो आपको मज़ा आता है, हालांकि 2022 में देखो तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है क्योंकि हम लोग ने अब एक अलग ही लेवल के VFX देखने लगे मूवी में, लेकिन फिर भी 2001 और 3 के बीच में जिस तरह से हम लोग ने VFX किया तारीफ तो करनी बनती है। मूवी अगर एक्शन की बात करो तो आपको गजब के वॉर सीन्स देखने को मिलते हैं, स्वॉर्ड फाइटिंग देखने को मिलती है, हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वॉयलेंस की बात करो तो यस, मूवी में वॉयलेंस भी है, गर्दन कटने वाले सीन्स भी है, तो इस हिसाब से ये मूवी मेरे ख्याल से अगर 12 साल के नीचे के बच्चे देखे तो थोड़ा सा अजीब होता है, लेकिन उसके ऊपर के देखे तो चल जाता है। मूवी में आपको किसिंग सीन भी देखने को मिलती है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। तो यार बस इस वीडियो में इतने, अगर आप लोगों ने LOTR देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन है वो भी मुझे आप लोग बता देते, क्योंकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो हमेशा से बिल्बो बैगिंस ही रहा है। हालांकि LOTR की बात करो तो एरागॉन
और गैंडल्फ सबसे बेस्ट। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।